हेलो और सो तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मोहतरम नाज़रीन इकराम, मैं ताहिर बेग मोहम्मदी, सदर कुल जमाती तंजीम शहर व ज़िला शलापुर, आप सबों से मुखातब हूँ। और आज हम लोग यहाँ पर इसलिए जमा हुए हैं कि माननीय मनोज जरांगे पाटिल साहब आज शलापुर में आ रहे हैं और इस वक्त अनकरीब वो जल्द ही यहाँ पर पहुँचेंगे। हम अपनी जमात की जानिब से और हमारे साथ खड़े हैं मोहतरम जनाब आरिफ भाई साहब और मोहतरम जनाब जो है हमारे शाब्दी साहब और इसी तरीके से बाबा मिस्त्री साहब और हमारे भगवान जमीयत के सदर दलाल सर साहब और हमारे अब्दुल मतीन भाई और हमारी मोहतरमा जो है कारपेंटर रह चुकी हैं वो और दिगर जिम्मेदारान और जुबेर कुरैशी साहब दिगर जिम्मेदारान जिनके नाम ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ सब लोग इसमें शामिल दाखिल है। आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि जिस तरीके से ये तहरीक लेकर हमारे मनोज जरांगे साहब पाटिल जो है वो मराठा आरक्षण के मसले को लेकर आगे बढ़े हैं, हम शहरवासियों की मुस्लिम समाज की जानिब से उन्हें ये यकीन दहानी कराना चाहते हैं कि तमाम शहर शलापुर का मुस्लिम समाज उनके साथ खड़ा है। आरक्षण में जो वो सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि मराठा समाज को आरक्षण मिला जाए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हम भी जो है इस मुतालबे में उनके साथ कंधे से कंधा और शाने से शाना लगाकर खड़े हैं। वो आगे बढ़े, हम उनके साथ हैं। और साथ ही मैं ये भी सरकार से निवेदन करूंगा कि मुस्लिम समाज को भी वो आरक्षण देने की कोशिश करें, क्योंकि आज मुस्लिम समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। और ये मालूम होना चाहिए कि इस वक्त आंध्र प्रदेश में और इसी तरीके से तेलंगाना में 5% रिजर्वेशन जो है मुस्लिम समाज को दिया जा रहा है। तो हम जो है आपसे पुरखलूस गुजारिश और दरख्वास्त करते हैं कि आप भी मुस्लिम समाज को बराबर का हक दें और 5% कम से कम 5% तो उनको आरक्षण देने की कोशिश करें। बस यही आप लोगों से गुजारिश है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।